हेलो फ्रेंड्स, मुकेश किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। तो आइए हम बनाते हैं चिकन बिरयानी। सबसे पहले हम चिकन लेंगे और उसे बिल्कुल क्लीन वॉश कर लेंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में चिकन लेंगे और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूखा हरा धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अपने हाथों की सहायता से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। जिससे कि मसाले अच्छे से मिल जाएं और चिकन में अच्छे से कोट हो जाएं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे पूरे को। और मैरिनेट करने के लिए कम से कम 1.5 से 1 घंटे तक चिकन को फ्रीज में रख देंगे। इसको अच्छे से मिलाते रहिए जब तक मसाले अच्छे से कोट ना हो जाएं। अब हमारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब हम एक भगोना लेंगे। आज हम चिकन बिरयानी को चूल्हे पे बनाने वाले हैं जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमने भगोना लिया और उसके ऊपर मिट्टी लगा ली है जिससे वो काला ना हो। तो अब यहाँ पे चूल्हा जल चुका है और हम इस पे रखेंगे अपना भगोना। हमने प्याज को लंबा लंबा काट लिया है। हमने इसमें 2 प्याज लिए हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, वैसे सरसों के तेल इसमें ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसमें हमने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 हरी इलायची। अब इसे हम भून लेंगे। तो हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं प्याज जिनको हमने लंबा लंबा काट के रखा हुआ था। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है। प्याज को हम चलाते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको बीच बीच में चलाते रहें जिससे प्याज जले ना। अब प्याज को भुनने दें। तो प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है पर इसे अभी थोड़ा और गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसको चलाते रहें बीच बीच में। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है। अब टमाटर को चला लेते हैं और थोड़ा इसको पकने देते हैं। टमाटर को थोड़ा चलाते रहिए बीच बीच में जब तक टमाटर तेल ना छोड़ दें। तब तक इसको हम भून लेते हैं टमाटर को। टमाटर पक चुका है, देखिए आप ऊपर तेल आ गया है और हमारा चिकन भी वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। मसाला उसमें अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से कोट हुआ है इसमें। और अब हम इसको चलाएंगे।
इसको अच्छे से चलाते रहिए और थोड़ी देर इसको हम ढक के इसमें रख देते हैं 2-3 मिनट तक। 5 minutes later. तो अभी हमारा चिकन थोड़ा फ्राई हो चुका है मसाले के साथ। आप इसको बीच बीच में अच्छे से चलाते रहिएगा जिससे ये नीचे चिपके ना। अब हम इसको थोड़ी देर और रख देंगे ढकने के लिए जिससे ये थोड़ा पक जाए। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेवी आ गई है और अब हम बिरयानी बनाने के लिए चावल को बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें हम कोई भी बासमती राइस ले सकते हैं, हमने गोल्डन सेला राइस लिए है। तो ये हमने चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये हमारा यहाँ पर चिकन तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है। भगोने को गर्म करके उसमें तेल डाल दिया और उसके अंदर हमने चिकन डाल दिया है। ये चिकन हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। तो अब हम बिरयानी बनाने के लिए हमने ऑयल में चिकन डाल दिया और अब हम इसके ऊपर अपने राइस डाल देंगे जो हमने बॉईल करके निकाल लिए हैं। अब हमने इसके ऊपर पहले चिकन की लेयर डाली, फिर राइस की, अब फिर से हम इसके ऊपर चिकन की लेयर डालेंगे और अगेन इसको हम रिपीट करेंगे। अब फिर से हमने इसके ऊपर राइस डाल दिया और राइस को हमें बॉईल करते टाइम थोड़ा कच्चा रखना है, नहीं तो ये घुट जाएगा। अब हमने इसमें कलर डाल दिया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अब हमने इसके ऊपर फिर से चिकन की लेयर डाली है और हम इसके ऊपर फिर से राइस की लेयर डालेंगे। अभी हमने थोड़ी फ्राई ऑनियन करके रखी थी इसको गार्निश करने के लिए और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है बिरयानी का। और ये हमने गार्निशिंग के लिए ऊपर हरा धनिया डाल दिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। 5 minutes later. और आइए देखिए हमारी बिरयानी कितनी टेस्टी लग रही है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। वाओ, एक एक चावल एकदम खिला खिला और इतना यम्मी लग रहा है, आप देख सकते हैं खुद। तो हमारी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है, तो आइए हम इसको सर्व करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी आपको आगे भी मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh.